Assalamu alaikum everyone, this is Ahal Zameer. Go grab your tickets for Parvaz's Noon, which is coming out this Eid al-Azha. पहुंच चुके हैं निम्रा, आप कैसी हैं? ये क्या करें, आप लोग कैमरा बंद करें। निम्रा आप बताएंगी आपने ये दुकान क्यों खोली है? मैंने कहा ना आपको जाए आपको और ये कैमरा साथ में ऐसी कौन सी सबीन वही चैनल दोबारा लगाओ। कितनी मजेदार न्यूज है, उस पर तो बिल्कुल बकवास न्यूज आ रही है भाई। क्या हो गया तुम्हें, लगाओ तो सही। चंगा है मगरो लत्ती और जिया चुड़ैल। नाजरीन हमने निम्रा से पूरी बात करने की कोशिश की, उनके सवालों का जवाब, लेकिन उन्होंने किसी सवाल का जवाब ये भी पागल है, इसने इंटरव्यू ही नहीं दिया। अगर इंटरव्यू दे देती सारी चीजें क्लियर हो जाती। ऐसी लड़कियों का इंटरव्यू सुनता कौन है? तुम जानती हो इसको? नहीं, मैं क्यों जानने लगी इसे? तभी ऐसे कह रही हो, वो बहुत ब्रेव गर्ल है। पता है उसने अपनी शॉप भी खोली है और बाइक राइडिंग भी करती है। हाँ याद आया, तुम्हारी बेटी का नाम भी तो निम्रा ही है ना? हाँ। अरे तुम्हें तो आज मीटिंग में जाना था, तुम गई नहीं? ओ देखा, भूल गई मैं। अच्छा किया तुमने याद दिला दिया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, मैं थोड़ा सा लेट हो गई, मैं बस पहुंचती हूँ। चलो अब शाम में मिलते हैं, ठीक है? अस्सलाम वाली साहब। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बात सुनो। जी मौली साहब। वो लंबू का है? कौन लंबू मौली साहब? अरे तुम्हारे साथ ही होता है ना वो, तुम दोनों उस दिन मुझे मोबाइल पे वो तस्वीरें दिखा रहे थे। अच्छा मौली साहब, फरहान की बात कर रहे हैं आप? जो भी नाम है उसका, कहाँ है वो? वो मौली साहब खैरियत तो है? वो बात दरअसल ये है कि जब तुम लोग मुझे तस्वीरें दिखा रहे थे ना, वो मेरा पर्स गायब हो गया। तुम तो खैर शक्ल से काफी माकूल लगते हो, लेकिन वो शक्ल से पक्का चोर लगता है मुझे। मौलवी साहब कह तो आप सही रहे, वो है कहाँ? वो मौलवी साहब वो तो तबलीग पे गया हुआ है, है? अच्छा मौलवी साहब, मेरे घर तो कुरान खानी है, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। तबलीग पे? तुम रो रही थी, तुम्हारी आंखें बता रही। क्यों परेशान होती मेरी बच्ची? सईदा ने आदिल की खूब क्लास ली और तुम देखना मैं जाकर उसका वो शेयर करूंगी कि तुम्हारे पांव पकड़ के माफी मांगेगा। नहीं अम्मा, आदिल की बात नहीं है। फिर क्यों परेशान? मीडिया वाले वापस दुकान पर आ गए थे। हाय ला, पहले कम बदनामी हुई है, तुमने मना क्यों नहीं किया? मैंने मना किया था, उन्होंने पूरा प्रोग्राम टीवी पे लगा दिया। और आपको पता है मम्मी तो ऑलरेडी मुझसे नाराज है। अरे दफा करो सभी, उसको हमारी क्या परवाह है? सुबह से 100 बार फोन कर चुकी हूँ, मजाले जो एक बार मेरा फोन उठाया हो। मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। तुम दोनों का भी कोई हाल नहीं, वहां वो गुमसुम लेटा हुआ है। आपने अब्बा को बताई तो नहीं थी ना आदिल और रूबा वाली बात? अभी तो नहीं बताया, लेकिन सोच रही हूँ जाने से पहले बता दूं रूबा की हरकत। नहीं अम्मा भी, प्लीज नहीं बताएगा, बाकी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। मेरी बच्ची कितना बड़ा जर्फ है तेरा, सबके बारे में सोचती है तू, तेरे बारे में कोई नहीं सोचता।
हारून बेटा वहां से नाराज नहीं होते, तू नाराज होकर घर से जाता है ना तो मेरा दिल तुझ में अटका रहता है। जी अम्मा, नहीं जाऊंगा। और फिर मैं तुम्हारे भले के लिए तो कहती हूँ ना, मैं तुम्हारी माँ हूँ, दुश्मन थोड़ी हूँ। जी जानता हूँ। साय मापा से बात हो गई थी मेरी, आ रही है वो। अम्मा कोई एतराज तो नहीं है ना आपको? एतराज तो कोई नहीं है बेटा, लेकिन बस डर लगा हुआ है। कैसा डर? देखो सबा इस घर का खर्चा चला रही है ना, और जब वो चली जाएगी मैं तो हूं ना अम्मा। अल्लाह रखे मेरे बच्चे को, लेकिन बेटा ये तो तभी मुमकिन है ना जब तुम पास हो जाओगे। अम्मा मेरा यकीन करें, सब बहुत अच्छा हो जाएगा, आप बस शादी की तैयारी करें। बेटा वो तो मैं कर लूंगी, लेकिन तुम जानते हो कि सायमा आपा निम्रा से बहुत चिढ़ती है, और अब तो उन्होंने निम्रा को टीवी पर देख लिया होगा। तो बेटा मेरी मां तो निम्रा से दूर है, इसकी वजह से कहीं और कुछ हंगामा ना खड़ा हो जाए। जी चल अब खाना खा ले, देख मैंने तेरी पसंद के ना कोफ्ते बनाए, खा ले शाबाश, तू तो मेरा अच्छा बेटा ना। निम्रा मैं दुल्हन बनकर कितनी प्यारी लगूंगी, और आदिल की दुल्हन बनकर तो अलग ही रूप आएगा मुझ पर। मैं तुमसे बात कर रही हूँ निम्रा। रूबा मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, प्लीज। मुझे तो एक्साइटमेंट में नींद ही नहीं आ रही, पता है आदिल इतना रोमांटिक है ना, कल मुझसे कह रहा था कि रूबा मुझे तुम्हारी कोई फजूल बातें नहीं सुननी है, प्लीज। ठीक है मत सुनो, लेकिन मुझे ये तो बता दो कि अब्बा से बात तुम करोगी या मैं करूं? तुम अब्बा से कोई बात नहीं करोगी, समझी? शादी के लिए किसी ना किसी को तो बात करनी पड़ेगी। बात करना मुनासिब नहीं, अगर आप बेहतर समझे तो कहीं बैठ के बात करते हैं ना। ठीक है आप शाम में ऑफिस में आ जाइएगा। अरे अरे नहीं काउंसलर साहब, अब बहुत जरूरी बात है, अभी करना बहुत जरूरी है। चलिए फिर कहीं बाहर बैठ के बात करते हैं। अब्बा आप कहीं जा रहे हैं? हाँ हाँ बेटा सबीन को लेने जा रहा हूँ। मिस कर रहा हूँ उनको। 26 साल रफाकत है बेटा, याद आना तो फितरी बात है। चाहे यादें कितनी तल्ख क्यों ना, यादें तो यादें होती हैं बेटा, तल्ख क्या और शीरी क्या। सही कह रहा हूँ, मुझे भी अम्मा बहुत याद आ रही है। क्या हुआ निम्रा? कुछ नहीं, आई मैं आपको नीचे तक छोड़ कर आती हूँ। काउंसलर साहब उस लड़की ने तो बेहयाई की तमाम हदें पार कर दी हैं, फिर से दुकान खोल कर बैठ गई है। मैं तो कह रहा हूँ कि दुकानदारी की जगह कुछ और ही हो रहा है वहाँ पर। हाँ जी सारा दिन स्कूटर पे दंदनाती फिरती है, मोहल्ले की लड़कियाँ खराब हो रही हैं, और मेरा घर तो उसी दुकान के पास है, लड़कों का हजूम लगा रहता है, और बेपर्दगी इस कदर है कि मैं बयान नहीं कर सकता। सारी बातें आप जानते तो हैं,
फिर क्या फायदा हुआ उनके घर जाने का? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। देखिए हर इंसान की अपनी भी मजबूरियाँ होती हैं, अब मोटरसाइकिल चलाना तो उसका जाती मामला है। लाहौल वाला कुवत, क्या बात कर रहे हैं आप कौशल सर? मैंने ऐसी बेहया लड़की अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखी। जहन्नमी है वो, जहन्नमी, और ये सब दीन से दूरी का नतीजा है। और एक आप है जो उसकी तरफदारी कर रहे हैं। और आप तो जानते हैं गौसलर साहब, मेरा घर उसके बिल्कुल सामने पड़ता है। आते जाते ऐसी बेपर्दगी होती है ना कि आंखें गुनागार हो रही होती हैं हमारी। मौलवी साहब ठीक कह रहे हैं, ये शरीफों का मोहल्ला है और ऐसे लोगों का मोहल्ले में रहना मुनासिब नहीं है। बेहतर इसी में है कि आप कुछ ना कुछ करें। चले मुझे कुछ टाइम दे, मैं निकालता हूँ इस मसले का। पहले टाइम दिया तो था, क्या फ़ायदा हुआ उसका इतनी पंचायत वहाँ ले जाने का? अब की बार हमें रिजल्ट चाहिए। कुछ खाएंगे आप लोग? मौसम के हिसाब से मैं तो कह रहा था कि कचोरियाँ बेहतर रहेंगी। यार कचोरियाँ लेके आ जाओ। जो बात करने आया वो करो। कर लेते हैं, कुछ खा लेते हैं। हर वक्त पेट की थोड़ी देर। वाह वाह, बड़ी लंबी उम्र पाई है वैसे तुमने। अभी मैं तुम्हें याद कर रही थी। जी मुझे भी आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ मुझे पता है कि फुप्पो मान गई हैं। वैसे दानिश तुम्हारी सर्विस ना बहुत ही स्लो है। अब तो फुप्पो और अम्मा की बात भी हो गई। खैर भाई मुबारक हो तुम्हें बहुत बहुत। आपको भी मुबारक हो। मगर वो मैं अब तुम ये अगर मगर छोड़ो। आप ही और फैसल भाई का तो मामला तय हो ही गया है। अब तुम लगे हाथों अपनी बात भी कर लो। लेकिन इस वक्त मेरी बात कौन सुनेगा? ऐसे क्यों बोल रहे हो? ट्राई करने में क्या हर्ज है? ट्राई तो करके देखो। हाँ मैं करूँगा अम्मा जी से बात, लेकिन पहले अरूबा जी से तो बात हो जाए। अरूबा? अरूबा से क्या बात करनी है तुमको? वो उन्होंने मुझसे कुछ मंगवाया था और अब मेरी कॉल ही नहीं उठा रही। बड़े ही कोई फारिग और अजीब आदमी हो तुम। अरूबा तुमसे कुछ भी मंगवाती हो तुम उसे भेज देते हो। बहुत फालतू के पैसे हैं क्या? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अब तक तो पार्सल पहुंच गया होगा उनके पास। देखो दानिश मेरी एक बात ना तुम कान खोल के सुन लो। अच्छी बात तुमने अरूबा को कुछ भेजा ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। जी ये निम्रा जैसी लड़कियों ने आजादी का गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया है। अभी कल ही की बात है मौलवी साहब, मौलवी साहब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अरे वजीफा पढ़ रहा था बेटा मैं। हाँ कुछ कह रहे थे तुम? मैं बता रहा था कि कल मेरा भाई थका हारा घर आया तो उसकी बेगम ने कहा खाना खुद गर्म करके खाओ। लाहौल वाला कुवर, बहुत बड़ी बेअदबी है ये अपने शौहर की, वो कयामत की निशानी है ये। अल्लाह रहम करे, आज तो क्यामत की बातें हो रही हैं। अरे आओ आओ फिरोज मियाँ आओ, बड़ी शिकायतें आ रही हैं तुम्हारी मोहल्ले से। मौलवी साहब ने जरा एक मिनट आया। और चाय मंगा दो भाई। अरे मौलाना मंगवा रहा हूँ। बोला का दो चाय देना यार, अच्छी सी। हाँ और सुनो। Hi everybody, this is Kubra Khan. As you know, the Parvaz-e Junoon is releasing this Eid al-Adha. Go grab your tickets right now before it's too late, because you're going to really miss that if you don't watch the movie and you don't want to do that. Main Nimra ko sahara dene ke liye taiyar hu. Aap Shakeel Ahmed se baat to kare. Are mashallah mashallah, badi achhi soch hai ye tumhari. Main aaj hi Shakeel sahab se baat karta hu. Mauli sahab, ek cup of chai mangwa do. Are nahi nahi रोज मियाँ तुम्हें तो पता है हमें शुगर की शिकायत है। मैं एक मिनट आया। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे मैं सिगरेट लेके आया बस एक मिनट। अरे वो कौन है? खड़े हो जाओ। चला क्या हो गया? ये क्या है? ये मेरा नहीं है सर, ये तो हीरोइन है। ये मेरा पकड़ो इसको, ये मेरा पकड़ो इसको, साहब पकड़ो इसको, ये मेरा पकड़ो इसको, साहब ये मेरा नहीं है, कसम ले लो साहब। आप
निम्रा बाजी। शबाना, क्या हुआ? क्या हुआ, रो क्यों रही हो? अरे हुआ क्या है मुझे ये तो बताओ। अच्छा सुनो, आओ अंदर आओ। बैठो, अब बताओ क्या हुआ है, रो क्यों रही हो इतना? क्या हुआ है शबाना? रात को अब्बा को पुलिस उठा के ले गई है। पुलिस उठा के ले गई? क्यों? पता नहीं निम्रा बाजी, मैं सुबह से थाने के चक्कर लगा रही हूँ पर वहाँ पे कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अच्छा परेशान मत हो, हम किसी वकील से बात कर लेंगे। मैं वकील से भी बात कर चुकी हूँ पर वो इतने पैसे बोल रहे हैं, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? हमारे घर में तो वैसे ही फाके चल रहे हैं। एक मिनट, रखो ना। मैं ये कुछ रखा मैं अपने पास, रख लो। नहीं निम्रा बाजी, बहनों की तरह समझती हो ना मुझे, तो रख। मैं ये नहीं ले सकती आपसे निम्रा। कर्ज के तौर पे रख लो, जब पैसे वापस आएंगे तो मुझे वापस दे, ठीक है? ये तो बहुत अच्छी खबर है यार, जगह तो मिल गई है मॉल में, लेकिन दुआ करो कि आज डील फाइनल हो जाए। अरे तो क्यों फिक्र कर रही, जगह अभी मिल ही जाएगी। तुम्हें तो पता है ना बिजनेस सेटअप करना कितना मुश्किल काम है। ये तो है। बीबी जी बाहर को शकील साहब आए हैं, सबीन बीबी का पूछ रहे हैं। अच्छा तो उन्हें बाहर क्यों खड़ा किया, अंदर लाके बिठाओ। वो रिक्शे में बैठे हैं, वो कह रहे हैं वापसी के पैसे भी दे दिए, अगर वो उतरेंगे तो रिक्शे वाला चला जाएगा। शकील भाई रिक्शे में आए? अरे नहीं भाई, शकील कैसे हो सकते हैं, शकील तो मुल्क से बाहर गए हुए। तो फिर ये कौन आया? मुझे लगता है शकील के ऑफिस से कोई आया होगा, कोई काम होगा, क्योंकि मैं फोन नहीं उठा रही ना उनका, इसीलिए। चलो फिर मैं देखती हूँ। अरे तुम रुको, जाओ तुम जाकर उससे कह दो कि वो यहाँ नहीं है। हाँ तुम क्या कह रही थी? वो बिजनेस डील के बारे में बता रही थी। ले भाई सामान गिनने। छह डब्बे ये वाले हैं। क्या बोले थे भाई, छह लिखवाए थे। यार मिया साहब का है? क्या हुआ, खैरियत तो? यार उस लड़की ने निहायत चलाकी से मार्केट से कम रेट में सौदा देना शुरू कर दिया है, लाइनें लगी हुई वहाँ पे, डिस्काउंट दे रही है सबको। ए यार ये लड़की ना हमारा कारोबार बंद करा के रहेगी। इसको कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा इसका। ये क्या हरकत है? यही तो मैं पूछ रही हूँ कि ये क्या हरकत की है तुमने। क्या मतलब? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अब तुम दानिश से कुछ मत लेना। दानिश से चूड़ियां भेज दी? तुम्हें जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं है रूबा? शर्मिंदगी कैसी? तुम्हें पता है ना कि मुझे चूड़ियां कितनी पसंद है, और मुझे पता था दानिश जल्दी भेजेगा इसीलिए उसने कहा था, किसी और को कहती ना आनी ही नहीं थी। वैसे वो जब इसकी जरूरत नहीं तुम ही रखो। ये तो तुम मेरे सामने कह रही हो ना, मेरे जाते ही फिर उसको फोन करके कुछ मंगवा लोगी तुम। अरे नहीं मेरी जान, वो दिन गए। मैं बहुत जल्द अरूबा शकील से अरूबा आदिल हमदानी बन जाऊंगी, देखना। अरूबा अब्बा वो आदिल तुम्हारी बहन का होने वाला शौहर है, ऐसा घटिया मजाक करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब्बा उनकी मंगनी टूट चुकी है और ये कोई मजाक नहीं है, मैं और आदिल आपस में शादी करना चाहते हैं। चुप कर। आपको मुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ये तो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, बहुत फायदा उठा लिया तुमने मेरी नरमी का। अब कान खोल के सुन लो, आज के बाद तुम घर में बैठोगी, कहीं नहीं आओ जाओगे। लेकिन अब्बा और आइंदा तुमने कभी आदिल का नाम भी नहीं लेना, सुन लिया तुमने? अब्बा अब्बा मेरी बात। मैम हम एक काम और भी तो कर सकते हैं ये। अरे इन बातों को छोड़ो, मेरे पास एक
सबजस आइडिया है। वो क्या मैम? तुमने वो दुकानदार लड़की वाली न्यूज सुनी है? जी वो निम्रा नाम था जिसका। निम्रा आजकल बहुत फेमस हो गई है, सोशल मीडिया पे बस उसी के चर्चे चल रहे हैं। आजकल पढ़ी लिखी लड़कियां तो दूर, लड़के भी दुकानदार बनने पर राजी नहीं होते। और इस लड़की की हिम्मत देखो, ऐसी जगह पे दुकान खोल ली। मुझे लगता है कि इसका बिजनेस सेंस भी बहुत अच्छा होगा। आप ठीक कह रही हैं मैडम, वो उस इलाके में बाइक चला रही है जहाँ लड़कियां अकेली घरों से बाहर निकलने से डरती हैं। यही तो खास बात है उसमें। एक काम करो, तुम उससे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करो, या बल्कि ऐसा करो तुम उसका एड्रेस लो, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ओके मैम, मैं अभी पता कर देती। और हाँ, उसके इंटरव्यू के लिए चैनल वालों से बात करो, मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ी सी और मशहूर हो जाए। मैं समझ गई। जाहिर है इतनी कॉन्फिडेंट और टैलेंटेड लड़की एक छोटी सी दुकान में जाया हो जाए, ये तो मैं होने नहीं दूंगी। हेलो जी, जुबैर साहब। जी 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 जी, सब कुछ रेडी है, आपकी तरफ से सब रेडी है? हाय हाय, क्या कहा वकील ने? वकील साहब तो कह रहे हैं कि केस बहुत लंबा चलेगा। अल्लाह गारत करे इस फिरोज को जिसने मौलवी साहब को फंसा दिया। अच्छा माँ, आप दवाई खाएं, मैं जरा निम्रा के पास से होके आती हूँ, शायद वो मुझे कोई काम दिला दे। क्या काम दिलाएगी वो? वो तुम्हें भी बिगाड़ देगी। अम्मा आप अब भी ऐसी बात कर रही हैं? जब इस मुश्किल वक्त में हमारा किसी ने साथ नहीं दिया तो निम्रा ने ही अपनी सारी जमा पूंजी हमारे हवाले की है। सिर्फ मैं नहीं ऐसा कहती हूँ, पूरा मोहल्ला उसके बारे में ऐसी बातें करता है। अम्मा कोई कुछ भी कहे, मैं जानती हूँ ना कि निम्रा अच्छी है। तो फिर क्या करोगी तुम? अम्मा आपको पता तो है घर पे फाके चल रहे हैं, अब्बा का केस कब खत्म होता है कुछ नहीं पता, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप दवाई खाएं। अच्छा लेती। पता नहीं कब तक ये दवाइयाँ खानी पड़ेंगी और कब तुम्हारे अब्बू छूटेंगे जेल से। अम्मा, ये हारून कहाँ गया? अपने कमरे में ही होगा, उसने कहाँ जाना है? अम्मा वो घर पर नहीं है, मुझे तो लग रहा है वो निम्रा के साथ है। खुदा बेड़ा गर्क कर दे इस निम्रा का। कितनी बददुआएं दे लूं मगर एक नहीं लगती इस लड़की। पता नहीं क्या जादू कर दिया मेरे बच्चे पे कि उसके पीछे साए की तरह मंडलाता रहता है ये लड़का। इस निम्रा की शादी और हमारी जान छूटे। अम्मा शादी निम्रा की नहीं अरूबा की हो रही है। क्या कह रही है? अरूबा की शादी? वो किससे? आदिल से। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या उल्फुल बके चली जा रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? बोला पता नहीं ये दोनों बहनें क्या चक्कर चला रही हैं। आप बस हारून को निम्रा से दूर रखें। मुझे तो डर लग रहा है कहीं हारून निम्रा से शादी ना कर ले। दुनिया में कुछ भी हो जाए मगर ये नहीं होने दूंगी मैं। निम्रा की शादी हारून से तो नहीं होती मेरे जीते जी। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, फैसल ने कहा है निम्रा से दूर रहो। अच्छा तो मैं भी कहूँ कि निम्रा के खिलाफ कैसे बोला चला जा रहा है? अरे भाई जो भी करो अपने भैया को समझाओ कि निम्रा से दूर हो जाए वरना तेरा घर खराब हो जाएगा। ये उसको समझा, मुझे मत समझाओ। अम्मा बस हारून के लिए अच्छी सी लड़की देख कर ना उसका रिश्ता पक्का कर दूँ। अरे हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ, अपने मशवरे ना अपने पास ही रख, मैं कर दूंगी। जा आदिल। रूबा तुम यहाँ? आदिल निम्रा ने कुछ कहा? उसने निम्रा हारून से शादी कर रही है और इसी वजह से हमें घर छोड़कर चली गई है। क्या निम्रा शादी कर रही है? उसके इस फैसले से कोई भी खुश नहीं आदिल, लेकिन उसे इस बात की परवाह तक नहीं है, अच्छी लड़की है। आदिल तुम क्यों परेशान हो रहे हो? इससे पहले कि निम्रा और हारून शादी करें हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है
शुक्रिया। नहीं मैडम, ये काम तो आपका हो गया। इस नाचीज के लिए और कोई हुक्म? अच्छा, तो आप मुस्कुराती भी हैं। बहुत अच्छी लगती है मुस्कुराते हुए। तुम मत करो हार। तंग नहीं कर रहा, बस याद दिलाने की कोशिश कर रहा। पहले हम इतनी शरारतें किया करते थे और उन शरारतों में कितनी देर ऐसा करते थे, और अब तुम मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखने को भी गुनाह समझते हो। लोगों ने उसको गुनाह बना दिया। अच्छा अब सैड मत हो प्लीज। वैसे तुम्हारा ये डिस्काउंट वाला आइडिया बहुत अच्छा था, काम कर गया। कितने सारे लोग आए। वैसे अगर तुम नहीं होते ना तो बहुत मुश्किल होता। ये है, मैं ना होता तो मुश्किल तो होता। तुम मुझे ना अपना हेल्पर रख लो, ज्यादा पैसे भी नहीं लूंगा, तुम्हें पता मैं लालची नहीं। अच्छा निमरा बाजी। हाँ कैसी हो शबाना, तुम्हारे अब्बू वापस आ गए? नहीं, और वो इतनी जल्दी आ भी नहीं सकेंगे, केस बहुत लंबा चलेगा। सर तो अब तुम क्या करोगी? निमरा बाजी मैं कुछ काम करना चाहती हूँ, बहुत मुश्किल में आ गई हूँ। काम करना है? आप निम्रा की हेल्पर बन जाओ। हेल्पर? हाँ हेल्पर, सोच सकते हैं, कुछ किया जा सकता है। हाँ क्यों नहीं। अम्मा भी आप भी ना, सबीन के यहाँ ऐसे जाकर बैठ गई कि वापस आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं वहां निमरा को अकेले छोड़कर कैसे आ सकती थी? वैसे आदिल ने निमरा के साथ बड़ी ज्यादती की है। अम्मा भी निमरा भी जो कर रही है ना वो सही नहीं कर रही। दुकान खोलकर बैठ गई और बताया तक नहीं, और फिर वो हारून। हारून का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, आदिल बिलावजह शक कर रहा है उस पर। अम्मा जब कोई मर्द किसी औरत से मोहब्बत करता है ना तो उसके साथ दूसरे का साया तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम कुछ भी कह लो, आदिल की शादी निमरा से ही होगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आदिल है कि उसकी सुई रूबा पे अटकी हुई है। आने दो आदिल मियां को, कान से पकड़ के निमरा के पास ले जाऊंगी। अल्लाह करे मान जाए आदिल आपकी बात। मैं कर लूंगी बात, फिलहाल तुम सबीन को फोन करके यहाँ बुला लो। पता नहीं कहाँ रुलती फिर रही होगी मेरी बच्ची, मुझे बड़ी फिक्र हो रही है उसकी। अल्लाह करे सब खैर हो। अच्छा नहीं आऊंगी। सबीन अब थोड़ा मैच्योर हो जाओ, अपना नहीं तो अपने बच्चों का ही सोच लो। मैं ही क्यों सोचूं, कभी अपने माँ बाप का, कभी अपने बच्चों का, क्या मेरी कोई जिंदगी नहीं? आपा मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। अच्छा तुम्हारा जो जी चाहे यहाँ आकर कर लेना, वापस तो आ जाओ मेरी बहन। मैंने कहा ना नहीं आऊंगी मैं। सबीन वैसे निमरा जब शबाना बेचारी तुम्हारी दुकान में काम करना चाहती है उसे कोई मसला नहीं है, तुम्हें क्या मसला है? मैं उसको सैलरी कहाँ से दूंगी, तुम्हें तो पता है मेरा क्या हाल चल रहा है। आइडिया
मेरे पास एक बहुत जबरदस्त आइडिया है, अगर शबाना को इतराज ना हो और तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या हो? मैं अगर फ्रेंच फ्राइज की मशीन लेके तुम्हारे काउंटर पे रख दूं, शबाना फ्रेंच फ्राइज बेचती रहे, उसका भला हो जाएगा, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी, तुम्हें कंपनी भी मिल जाएगी दुकान पे, क्या ख्याल है? मैं पूछती हूँ शबाना से, देखते हैं वो क्या कहती है। मैं स्मार्ट हूँ ना? बहुत स्मार्ट। चलो बात करना तो दूर, आदिल तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। बंदा एक मोहब्बत भरा जुमला ही कह देता है, ऐसी भी क्या बेरुखी, आखिर को बीवी हूं मैं इसकी। आदिल हम कहां जा रहे हैं? तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर लूं। क्यों? मैं तो तुम्हारे साथ जाऊंगी ना। पहले मामा को बता दूं? तो मामा को साथ जाकर बता देते हैं। देखो जब तक निम्रा हारून से शादी नहीं कर लेती हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। मगर आदिल, देखो अरूबा, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। अगर निम्रा ने हारून से शादी ना की तो आदिल मुझे कभी भी यहां से नहीं लेके जाएगा। मैं कुछ करती हूँ, हाँ हारून से बात करती हूँ। तुमने अच्छा नहीं किया रुको। तुम्हें आदिल ने बता दी? नहीं, मुझे अब्बा ने बताया। मैं समझी कि तुम्हें पता है कि वो तुम्हारी वजह से कितना डिस्टर्ब है। मैंने अभी उनको दवा खिला के सुलाया है, थोड़ा सा तो लिहाज कर लो यार। अब्बा सो गए, प्लीज तुम भी सो जा। तुम कहाँ जा रही हो? यार इमरा अपने ना काम से काम रखा करो, कहाँ जा रही हो हर काम में दखलंदाजी। अरे 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 कहाँ जा रही है तुम? हैं? पुपो, मुझे ना हारून से बात करनी है। कोई जरूरत नहीं, और रात के इस वक्त क्या जरूरी बात करनी है तुम्हें? रात को क्या हो जाता है, रात को बात नहीं करते, और वैसे भी दिन में घर ही का होता है वो। खूब समझ रही तुम दोनों बहनों की मिली भगत जो है ना, तुम तो आदिल से शादी कर रही है, निम्रा और हारून का रास्ता साफ कर रही है, मगर खबरदार मैं ऐसा अपनी जिंदगी में होने नहीं दूंगी। मेरे हीरे जैसा बेटा मैं तुम लोगों के जाल में फंसने दूं? कभी भी नहीं। बस कर दे पुपो, आपके बेटे में ना हीरो वाली कोई बात नहीं है। निम्रा का दिमाग खराब है, पता नहीं क्यों आदिल पर हारून को तरजीह दे रही है। उस कमबख्त पागल लड़की से कहो कि मेरे बच्चे से दूर रहे, कोसों दूर रहे, समझी तुम? और हारून की तो मैं शादी कर रही हूँ बहुत जल्द। वैसे ना आप अच्छी तरह से सोच लें, फायदा तो आपका ही है। देखे ना निम्रा की दुकान इतनी अच्छी चलने लग गई है, इतनी आमदनी होती है, सारे पैसे तो शादी के बाद आपके पास ही आएंगे ना। बस कर जाओ, ज्यादा ना मुझे लालच देने की जरूरत नहीं है, और वो बदनामी की कमाई तुम ही लोग खाओ, मुझे जरूरत नहीं है उस पैसे की। वो मैं तो आपके फायदे की बात कर रही हूँ, एक दफा अच्छी तरह से सोच ले आप। खबरदार जो तूने मुझे दोबारा से कहा तो निकल यहाँ से, और अगर तूने हारून से बात करने की कोशिश की तो टांगे तोड़ दूंगी मैं। चल निकल यहाँ से, तुम निकलो। मुझे हारून से जरूरी बात करनी है, बात तो करने दे। फुफ्फो चल यहाँ से, पता नहीं क्या क्या भड़काने आ रही थी उसको। सुना तो नहीं इसने, कमबख्त। कहा है ना, मना किया ना कि निम्रा के पास नहीं जाना तो नहीं जाना। अम्मा जाने देना, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। बस कह दिया है कि नहीं जाना, देखती हूँ कैसे जाती हो तुम। अम्मा आप ऐसा क्यों कर रही हैं? कल को जिस निम्रा के खिलाफ मैंने और तेरे अब्बा ने बातें की हैं, आज तुम वही काम करोगी तो लोग हम पर थू थू करेंगे। आप दोनों ने निम्रा के साथ बहुत ज्यादती की है, लेकिन फिर भी उसने मदद की ना हमारी, की है ना? हाँ दिया है, मगर तुम उसके साथ काम नहीं करोगी। अम्मा इन मुश्किल हालात में कोई ना कोई काम तो करना है ना, तो क्यों ना मैं निम्रा के साथ काम करके उसकी हिम्मत बनूं, फिर कल को कोई ये नहीं कह सकेगा कि निम्रा अकेली ही ऐसी लड़की है। हाँ, फिर लोग निम्रा के साथ साथ तुम्हारा तमाशा बनाएंगे। अम्मा मेरी बात सुने, देखिए मेरी एक बात मानने प्लीज। नहीं सुननी मैंने तुम्हारी कोई बात, मैंने पड़ोस वाली नुजहत से बात की है, वो अपने स्कूल में तुम्हें टीचर लगवा देगी, समझी तुम?
चलो ठीक है, अब जैसे तुम्हारी अम्मी कहें बिल्कुल वैसे ही करना। हाँ ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़। हसीन लड़की, उदास क्यों? क्या हुआ है? क्या तुम जिन की तरह हर जगह आ जाते हो? मैं जिन ही तो हूँ जो एक परी पर दिल हार बैठे। How cheap? Cheap? मैं? Really? ऐसी बातों पे तो लड़कियां बोलती हैं। How romantic? तुम मजाक हो तुम लोग। तुम फिर शुरू हो गए हारून। मजाक कर रहा था यार। सोचा इसी बहाने तुम थोड़ा सांस लोगी। अम्मी की वजह से परेशान, वो मुझसे बात ही नहीं करेंगे। ना वो माँ है, माँ का गुस्सा बस थोड़ी सी देर के लिए होता है। Trust me, सब कुछ ठीक हो जाएगा, promise। अल्लाह करे ऐसे ही। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। ओ हाँ याद आया, तुम्हारी दोस्त है शाबाना, उसके लिए मैंने गुंडे से बात की थी, वो उसको फ्रेंच फ्राइज का सेटअप लगा देगा। काम हो गया उसका। हम उसकी जरूरत नहीं, वो नहीं आएगी।